राज कपूर इतने बड़े दिल से बिल्कुल बच्चे की तरह थे, नई तकनीक नई आइडियाज के लिए हमेशा तैयार रहते थे और 1962 में उन्होंने अपनी पहली कलर फिल्म बनाई संगम। वैसे इस फिल्म को बनाने से पहले उन्होंने ब्रिटिश कैमरामैन जैक कार्डिफ को कांटेक्ट किया और कहा कि वो हेल्प करें क्योंकि उस वक्त तक हमारे देश में कलर फिल्म्स बनाने की टेक्निक कुछ ज्यादा डेवलप नहीं थी। उनके अपने कैमरामैन राजू कर्माकर को उन्होंने जैक कार्डिफ के पास कुछ दिनों के लिए भेजा, जिसके बाद जैक का कहना था कि आपके पास राजू कर्माकर जैसा कैमरामैन है तो मेरी जरूरत नहीं है। उसके बाद कलर में रिलीज हुई 1962 की फिल्म संगम, जिसका ये गीत हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस फिल्म से जुड़ी एक और खास बात बता दें, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट एक्चुअली 1940s में ही राज कपूर के मन में तैयार था और उन्होंने दिलीप और नरगिस के साथ ये फिल्म प्लान की थी, लेकिन ये फिल्म टलती चली गई और उसके बाद रिलीज हुई 1962 में। और ये गीत जो आप देखने जा रहे हैं, ये वैजयंती माला ने खुद इसकी कोरियोग्राफी की है, क्योंकि बाय चांस कोरियोग्राफर शूट के वक्त पहुंच नहीं सके तो वैजयंती माला ने इस गीत को पेश किया अपने अंदाज में। अपना अलग जादू था, राज साहब के स्टोरी आइडियाज भी उनके अपने थे और इनमें से एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था सरहद पार पर बनी फिल्म हेना। और ये फिल्म हालांकि वो शुरू तो कर गए लेकिन इस फिल्म को वो खत्म नहीं कर सके, इससे पहले वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके कैमरामैन राजू कर्माकर भी बहुत बूढ़े हो चुके थे, उस वक्त उनकी आंखें भी कमजोर हो गई थी, उन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। लेकिन तब कृष्णा कपूर खुद राजू के पास गए, उन्हें कहा कि वो इस फिल्म की कमान संभाले। ऐसा ही हुआ और फिर 1991 में रिलीज हुई फिल्म हेना।